जगमगा गुरूर भी शराबी हो गया कोई हूस बिन कड़ा भी हो गया दोस्तों। ये जो गेट आप देख रहे हो ये गेट है दौलताबाद फोर्ट का गेट, एंट्री गेट हम इसको बोल सकते हैं। और दोस्तों हमको वहाँ पर ऊपर तक जाना है, वो ऊपर आपको वो फोर्ट दिख रहा है उधर, और ये इसका एंट्री गेट है। यहाँ पर अंदर जाने के बाद एंट्री टिकट लेना है। देखते हैं कितने का मिलेगा। दो टिकट मेरे को, दो टिकट। अभी यहाँ से टिकट लेके हम लोग ये एंट्री गेट, यहाँ से टिकट लिया और अभी अंदर की ओर बढ़ रहे हैं दौलताबाद फोर्ट घूमने के लिए। ये इसके सामने यहाँ पर खूबसूरत पार्क बनाया हुआ है और यहाँ पर ये एंट्री गेट है, अभी एंट्री लेंगे। ये इसका पहला गेट है दोस्तों, देखिए पूरा ऐतिहासिक गेट आप देख सकते हो। यहाँ पर बच्चे भी हैं, बच्चों की कोई स्कूल से आई हुई पिकनिक है जो अंदर फोर्ट को देखने जा रहे हैं। दोस्तों 2012 की फिल्म तेरी मेरी कहानी, जिसके अंदर प्रियंका चोपड़ा और शाहिद कपूर सर हैं, उसकी शूटिंग करीब अब से 10-11 साल पहले इस दौलताबाद फोर्ट में हुई थी। वो एक सॉन्ग है अल्लाह जाने, जिसके अंदर प्रियंका चोपड़ा और शाहिद कपूर इस फोर्ट में आए थे और उन लोगों का पूरा शूट यहाँ पर हुआ था। मूवी की शूटिंग लोकेशन आज हम आपको दिखाएंगे 10-11 साल बाद इस फोर्ट पर। दोस्तों चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों 10-11 साल में क्या चेंज होगा, ये तो मतलब समझ सकते हो 400-500 साल से भी पुराना फोर्ट है। तो अभी 10 साल तो कुछ भी नहीं मैटर करता उसके लिए। तो अभी हम अंदर चलते हैं और आपको अंदर की लोकेशन दिखाते हैं। दोस्तों हमने यहाँ से एंट्री गेट से अंदर आ चुके हैं और आपको यहाँ पर एक ये खूबसूरत व्यू देखने के लिए मिल रहा है। ये सब अलग अलग जगह के बारे में बताया गया है और उसका एक सिंबल इधर रखा गया है। आप देख सकते हो ये वसई फोर्ट का बताया गया है। दोस्तों वसई फोर्ट पे तो मैं एक्चुअली जाके भी आया हुआ हूँ, मेरा वहाँ का वीडियो है, अगर आपने वसई फोर्ट नहीं देखा हो तो देख लेना। ये कहाँ का बताया है, ये बताया है भाई विजयदर्ग फोर्ट। विजयदर्ग फोर्ट भी हम लोग जल्दी जाएंगे। मुझे ये हिस्टोरिकल प्लेस देखनी बहुत पसंद है और यहाँ पर आप देख सकते हो एक ऐसा व्यू है, यहाँ पर एक बड़ी तोप देखने के लिए मिल रही है। पहले मुझे लगता है आने का एंट्री गेट ये होगा, ये बहुत पुराने टाइम का गेट दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी इसको बंद कर दिया गया है। यहाँ पर अभी जो मेन गेट है आने के लिए वो ये वाला गेट है और इसके बाद से अब हम यहाँ से अंदर की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों क्या पुरानी जगह है यार, पहले देखिए, पहले के आदमी भी कितने मजबूत होते थे, ये सारी कड़ी चालू बंद करते थे। मुझे तो लगता है ये मुझसे खुल तो गई, कमज़ोर तो नहीं हूँ मैं भी इसका मतलब, बंद हो जा। तो ये गेट है, बहुत बड़ा सा गेट, और देखिए इसको किस हिसाब से फोर्ट बनाया गया है यार, मतलब ये 400-500 साल पुराना, जब टेक्नोलॉजी भी नहीं थी वो टाइम के बने हुए फोर्ट हैं। और आज के टाइम पर जो बिल्डिंग बनती है फुल टेक्नोलॉजी में, उसकी वारंटी भी सिर्फ 100 साल होती है। तो दोस्तों कैसी लग रही है ये जगह, किसी पर्टिकुलर बंदे का फ़ोटो नहीं लेना है, मतलब कोई बैठा हो बैठी हो अगर आप उसका पर्सनली फ़ोटो क्लिक करते हो तो देट विल बी रॉन्ग। आइए अब हम सारी लोकेशन ढूंढ रहे हैं और आपको एक एक लोकेशन ढूंढ के हम दिखाएंगे। एक के बाद एक गेट आ रहा है। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों, देखिए उधर आपको एक मीनार दिख रही है रेड कलर में। दोस्तों ये अगर आप फिल्म में देखेंगे स्क्रीनशॉट में तो बहुत जगह आप बैकग्राउंड में ये स्क्रीनशॉट में ये देख पा रहे हो, तो वो दिखा वही आप थे जब यहीं पर, नहीं पता चला आपने देखा, गाने में देखा होगा कुछ सीन वो तोप के पास है। हाँ। और कुछ सीन ये इसके अंदर है, टेंपल के अंदर। हाँ, और पीछे ये बैकग्राउंड में ये जगह दिख रही है। अरे भाई ये तोप कौन से जमाने की पता नहीं भाई, देखो अली लिखा हुआ है इस पे,
अरबी में यहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, और यहाँ पर यार ये अरबी पढ़ी नहीं जा रही है भाई, थोड़ा स्पेशल लिखा हुआ है। देखो अंदर से दिखा देता हूँ, अलग अलग 1638 लिखा हुआ है इस पे, ब्रिटिश के से भी पुराना हो गया ये, कब से, करीब 450 साल पहले। और यहाँ पे इसमें उर्दू में भी कुछ लिखा है। चलिए दोस्तों, आप जो ये देख रहे हो ना, ये वॉल के पीछे ऊपर एक गुंबद दिख रहा है, तो वो गुंबद को मैं आपको फ्रंट साइड से जाके दिखाऊंगा, वो होगी करेक्ट लोकेशन। एक्चुअली फोर्ट इतना बड़ा होता है ना कि यार एकदम से लोकेशन मिल नहीं पाती है कि कहाँ पर है। और यहाँ पर देखेंगे ना तो दोस्तों करीब 51 यहाँ पर अलग अलग टाइप की तोप रखी गई हैं, और उसके ऊपर उसकी थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन लिखी भी गई है, लेकिन सारी चीज़ें नहीं बता सकता हूँ। लेकिन उस फिल्म के बहुत सारे सीन, उस फिल्म की झील, उस फिल्म की तोप, वो सारी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप यहाँ पर देख रहे हो दोस्तों, ये एक चांद मीनार है, और अंकल ने बताया, उधर देखो एक अंकल बैठे, उनको भी ले लो, उन्होंने हमें बताया कि ये भी बंद कर दी गई है, मतलब पहले अंदर इसके गोल गोल सीढ़ी है, और ये करीब 210 फीट हाइट की है, मतलब आप समझ सकते हो कि 20 माले की बिल्डिंग की बराबर इसकी हाइट वो टाइम पर बना दिया गया था। तो दोस्तों ये इस पर किसी बच्चे की गिरने से मौत हो गई थी, जिस वजह से इस पर चढ़ना अभी बंद कर दिया गया है। तो आइए हम और आपको इस खूबसूरत दौलताबाद फोर्ट की जगह दिखाते हैं। दोस्तों फोर्ट तो बहुत बड़ा है, फोर्ट इतना बड़ा है कि इसको घूमने के लिए भी बहुत टाइम चाहिए, बहुत वक्त चाहिए, ऊपर तक चढ़ना अलाउड है, बट वहाँ पर चढ़ने के लिए बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जो लोकेशन मेन है वो हमको थोड़ी ही पास में ही मिल जाएंगी, वहाँ पर चलेंगे और आप आज आपको वो लोकेशन दिखाएंगे जहाँ पर ये सारे सीन रिकॉर्ड किए गए थे। दोस्तों ये जो जगह आप देख रहे हो, कुछ सीन यहाँ पर रिकॉर्ड किए गए थे, आप देख सकते हो, आप मैच कर सकते हो। देखिए कुछ सीन यहाँ पर रिकॉर्ड किए गए थे, यहाँ पर उन लोग डांस कर रहे हैं। दोस्तों इधर कोई भी नहीं होता, जहाँ पर ये बच्चे आ रहे हैं उसके पीछे जो आप बैकग्राउंड देख रहे हो, वहाँ पर आप देख के समझ जाओगे ये वही जगह है जहाँ पर तेरी मेरी कहानी, अल्लाह जाने मौला जाने सॉन्ग की शूटिंग हुई थी दोस्तों। और कुछ मौसम बारिश टाइप का है, और यहाँ पर आप ये जो मेरे पीछे गुंबद देख रहे हो दिख रहा है, देखो गुंबद में ये तीन अंदर जाने के पिलर के रास्ते हैं, फिर दो मेन गेट है जिसकी छत बनाई गई है अच्छे से। तो इस जगह पर दोस्तों दौलताबाद फोर्ट में उस फिल्म के सीन रिकॉर्ड किए गए थे। दोस्तों ये जगह हम आपको करीब फिल्म के हिसाब से 10-11 साल बाद बता रहे हैं, और हमको यकीन है कि ये जगह आपको जरूर पसंद आएगी। कुछ सीन दोस्तों उसी फिल्म के जो पिलर वाले सीन हैं, जहाँ से वो सॉन्ग गाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, वो जो अंदर आपको लाइन से पिलर दिख रहे हैं ना, कुछ सीन वहाँ पर रिकॉर्ड किए गए हैं। तो दोस्तों ये है वो जगह जहाँ पर तेरी मेरी कहानी फिल्म की शूटिंग हुई थी औरंगाबाद में। तो दोस्तों अगर आप कभी भी औरंगाबाद आएँ तो ये दौलताबाद फोर्ट ज़रूर आके घूमें, काफ़ी बड़ी जगह है घूमने के लिए। लेकिन जल्दबाजी में नहीं घूमें, क्योंकि जल्दीबाजी में अच्छे आप नहीं घूम पाएंगे। अगर पूरा अच्छे से जानना है इसके बारे में तो आप यहां पर आएं। इसका टिकट 25 रुपए का एक टिकट है, 25 रुपए का टिकट लेके आप अंदर आ सकते हो और पूरे किले को आराम आराम से इसके बारे में जान सकते हो, इस जगह को देख सकते हो। ना जाने कितने लोगों ने ये जगह को फिल्म में देख चुके थे, जहां पर शाहिद कपूर किसी वक्त आए थे और उनकी टीम आई थी और उन्होंने इस जगह पर सीन अपने रिकॉर्ड किए थे दोस्तों। तो ये फोर्ट के एक बार हम आपको चारों तरफ का व्यू दिखाते हैं। देखिए ये इसका एंट्री गेट है, और एंट्री गेट से आप इधर आते हो और फिर यहाँ पर ऐसी जगह है, बड़ी सी जगह आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, उधर एक गुंबद देखने के लिए मिल रहा है। तो सारे के सारे फिल्म के सीन यहीं पर रिकॉर्ड हुए थे। दोस्तों ये लोकेशन आपको कैसी लग रही है, जो आप फिल्मों में देख चुके थे और आज आप उसको रियल में देख रहे हो? दोस्तों हमें उम्मीद है कि लोकेशन आपको जरूर पसंद आएगी। आइए मैं आपको एक जगह और दिखा देता हूं जहां के अंदर के सीन थे। ये जगह एक्चुअली आप देख चुके हो, और यहां पर कुछ पिलर्स हैं दोस्तों, मैं आपको भी वो पिलर्स दिखाऊंगा जहां पर कुछ पिलर्स के सीन रिकॉर्ड किए गए थे दोस्तों। आइए
हम यहाँ पर अभी यहाँ पर अंदर एक टेम्पल है तो उसके लिए हम लोग पहले शूज उतार देते हैं। अभी यहाँ पर वो पिलर देखिए, पहले ना दोस्तों एक सीन ये भी है कि यहाँ से कैमरा रखा गया था, आप स्क्रीनशॉट से मैच करोगे, ये जगह को लिया गया है। देखिए वो लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, कैमरे का एंगल कोई भी हो सकता है लेकिन गेट जो है वो यही है, आप देख सकते हो कैमरा एंगल थोड़ा इधर उधर हो सकता है, यहाँ से वो बाहर निकलते हुए दिखाए हैं दोस्तों। और अभी हम आपको ये पिलर्स दिखा रहे हैं, देखिए ये पिलर्स के पास कुछ सीन रिकॉर्ड किए गए थे बराबर, ये पिलर, वो पिलर भी मैं ढूंढ लूँगा कौन सा था जिसको वो पकड़ के खड़े थे, यहीं पर इनमें से ही कोई पिलर था। लेकिन मैं जैसे आपको ये व्यू दिखाऊंगा ना तो आप ये व्यू देख के समझ जाएंगे कि हम वही जगह पर हैं जहां पर 10-11 साल पहले तेरी मेरी कहानी फिल्म की टीम आई थी और उन्होंने अपने कुछ सॉन्ग रिकॉर्ड किए थे ऐसे ही पिलर को पकड़ पकड़ के दोस्तों। तो ये जगह दौलताबाद फोर्ट के पास में है जिसको हम यहाँ पर विजिट करने आए थे और हमें पूरी उम्मीद है ये लोकेशन आपको जरूर पसंद आई होगी। कितने टाइम से ड्यूटी कर रहे हो आप यहाँ? 10 साल हो गया, ज्यादा हो गया, 25 साल हो गया। यहाँ पर एक फिल्म की शूटिंग हुई थी, पता है आपको, याद है? शाहिद कपूर की फिल्म शूट हुआ था। हाँ हाँ हाँ, अरे वाह, आपको याद, आप थे यहीं पर तभी। ड्यूटी नहीं, हमको कैसे जाएंगे भाई, सरकारी ड्यूटी मेरी। हाँ, 10-11 साल हो गया ना, सरकारी ड्यूटी है मेरी। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमर भाई। उमर भाई, झुमर भाई, झुमर भाई। अच्छा अच्छा, बढ़िया है। मुंबई से आए घूमने? हाँ। तो हम वो शूटिंग लोकेशन कोई सर्च कर रहे तो ये जगह निकली तो हम यहाँ पर आए। अच्छा, तो आप यहीं पर थे जब वो शूट हुआ था? वो टाइम पर बहुत गर्दी था, बहुत गर्दी थी। हाँ, 30,000 लोगों ने टिकट खरीदा था वो टाइम पर। पार्क को छोड़ो, झाड़ को छोड़ो, गिर गए ये लोग देखने को। हाँ हाँ, बराबर, बहुत पब्लिक थी यहाँ पर।